हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभदा मनु। आइए आपको आज नया रेसिपी दिखाएंगे, आलू टमाटर और अंडे का नया रेसिपी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, मेरी स्त्री बना रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। देखिए दोस्तों, अभी चॉपिंग चालू हुआ है, चॉपिंग चल रहा है। वो कटिंग कर दिया, चॉपिंग चॉपिंग खत्म हो गया आलू का। ये कर रहे हैं, देखिए। ये देखिए दोस्तों, और लहसुन, मिर्ची और अदरक वो हो गया। अभी ये देखिए काट रहे हैं, देखिए। ये देखिए कैसे कटिंग कर रही है, ये भी देखिए। आप लोग चॉपिंग कर रहे हैं, देखिए। हो गया चॉपिंग, हो गया। मिर्ची रेडी हो गए। ये देखिए दोस्तों, मिर्ची रेडी हो गए। बस ये हो गया है। देखिए दोस्तों, टमाटर को चॉपिंग कर रहे हैं, देखिए देखिए। ये देखिए दोस्तों, अंडे को फोड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर कढ़ाई हो रहा है। अंडे में हल्दी डाल दिए हैं, थोड़ा मिर्ची डाल दिए, सब थोड़ा थोड़ा करके दे दिए। मैं तेल डाल दिए, देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ¡Gracias!
ponen otra cosa. देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी थोड़ा फट गया है और मिट्टी में थोड़ा मिट्टी नहीं दिया है, मिट्टी का घर है ना। ये देखिए दोस्तों, और निकल दिए अंडों। ये देखिए दोस्तों, और तेल डाल दिए। तेल डालने के बाद वो प्याज को डाल दिए। देखिए दोस्तों, के बाद ये करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, और लहसुन का पेस्ट डाल दिए। उसके बाद अदरक का पेस्ट डाल दिए। उसके बाद मिर्च डाल दिए। उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे वो मसाले का। हल्दी को डाल दिए। ये थोड़ा देख लीजिए, और थोड़ा देखिए, और तेज पत्ता डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, तेज का पत्ता डाल दिए। हाँ, इसके बाद आलू को डाल दिए। आलू को डाल दिए।
किया दोस्तों, इसमें हो रहा है देखिए। उसके बाद देखिए और अंडे को, भुजिया अंडे को डालेंगे लगता है। उसके बाद टमाटर चॉपिंग को डालते हैं। बेस को डाला उड़क ला और बेस को डाला और स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। मसला का दबाव को समझ रहा है। ये इसके बाद अंडा का टुकड़ा को डाल दिए। पानी डाल दिए, और देखिए दोस्तों इसमें मसाला डाल रहे हैं। आप किसी पके बने पके हुए हो गया लगता है दोस्तों। देखिए अब रेडी हो गया है खाने के लिए। आइए सर्व करके खाना खाएंगे। तो मैंने चाहती कि इस समय मेरे और किसी के संबंध के बारे में किसी को भी पता चले। मैंने चाहती कि किसी को ये दृश्य मेरे और किसी के मध्य और मध्य संबंध के बारे में तो जानते हैं वो कितने आसानी होते हैं, किस सरलता से चिड़ जाते हैं। हमारे प्रेम को खुश रखने में Gracias.